हे गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन एकेडमी। आई एम योर फ्रेंड, योर गाइडर निशा शर्मा। कैसे हैं आप सभी? एंड आई होप यू गाइस आर गुड एंड योर स्टडी इज़ आल्सो गोइंग गुड। गाइस, थोड़ा सा टाइम कम मिलता है, वीडियोस कम दे पाती हूँ, बट ऐसे मत सोचा करो कि वीडियोस कम आ रही है, पीछे बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। और जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट होता है मैं आपसे हमेशा छोटे छोटे करके देती रहती हूँ, ठीक है? सो आज एक बहुत डाउट है जो आपके कमेंट बॉक्स में मैंने अक्सर देखा है। बहुत सारे बच्चों ने बार बार ये क्वेश्चन जो है पुट किया है कमेंट बॉक्स में, तो उसी क्वेश्चन का मैं आंसर दे रही हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम के लिए। इंटेलिजेंस का चैप्टर है, मैंने पीछे भी इसको करवा रखा है, लेकिन इसके अंदर एक डाउट है थ्री वाला, है ना? तीन तीन करके बुद्धि की कई सारी थ्योरीज हैं, तो मैंने आपकी काफ़ी कमेंट देखे, मुझे लगा ये बताना ज़रूरी है आप लोगों को। मैं ऑब्जर्व करती रहती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं मतलब वीडियोज़ कम दे पा रही हूँ बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम, तो बट आपकी हर चीज़ मैं ऑब्जर्व करती हूँ, हर एक गतिविधि, आपको क्या नीड है वो मैं समझ जाती हूँ और मैं ट्राई करती हूँ उसको कंप्लीट करने का। और बेसिकली पीछे सब कुछ किया हुआ है, उसको रिवाइज कर लोगे तो भी पेपर इजीली क्लियर हो जाते हैं। अब देखिए, बुद्धि में एक त्रि आवामी वाला बहुत इशू रहता है भाई। त्रितंत्र है, त्रि आवाम है, त्रि ये है, तो एक सिद्धांत है त्रि आवामीय सिद्धांत। इसको लेके ना बहुत सारे डाउट्स है बच्चों के, वो ही क्लियर करती हूँ मैं। अब त्रि आवामीय जिसको बोला गया है थ्री डायमेंशनल थ्योरी, त्रि आवामीय जिसको बोला बच्चे क्या थ्री डायमेंशनल थ्योरी, जो गिवन है जेपी गिलफोर्ड के द्वारा, ठीक है? त्रि आवामीय सिद्धांत मतलब इंटेलिजेंस की थ्योरी है। त्रि आवामीय सिद्धांत जो किसने दी है भाई, जेपी गिलफोर्ड ने दी थी 1967 में, ठीक है? तो यहाँ पर एक जो क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, अब कन्फ्यूजिंग है इसमें 120 हैं, 150 हैं या 180 हैं, तो इसी क्वेश्चन को मैं क्लियर करती हूँ आपके सामने। तो बुद्धि का त्रि आवामीय सिद्धांत, तो वेरी फर्स्ट यू जस्ट रिमेंबर कि थ्री डायमेंशनल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस गिवन बाय जेपी गिलफोर्ड ने दी है 1967 में। जब जेपी गिलफोर्ड ने 1967 में दी, तो ये जो सिद्धांत दिया था बच्चे, इसने एक डिब्बे की आकृति का दिया था, ठीक है? याद रखना, इसने ये सिद्धांत जो दिया था एक बॉक्स की आकृति का दिया था, ठीक है? किस आकृति का दिया था? बॉक्स की आकृति का दिया था, मतलब ऐसे डिब्बे सी की आकृति का दिया था, और वहां पर स्टेप रख दिए थे, तीन चरण रखे थे इसने। सबसे पहला है विषय वस्तु, जिसको आप इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है? सबसे पहला है विषय वस्तु, फिर इसने दिया है संक्रिया, विषय वस्तु। दूसरा स्टेप इसने दिया है संक्रिया, जिसको आप प्रोसेस भी कह सकते हो, और विषय वस्तु को आप इंडेक्स भी कह सकते हो, ठीक है? और तीसरा इसने दिया है उत्पाद, तीसरा इसने क्या दिया है उत्पाद, या जिसको आप रिजल्ट भी कह सकते हो। जेपी गिलफोर्ड के बुद्धि के सिद्धांत में, बुद्धि के सिद्धांत में कितने आयाम हैं, कितने डायमेंशनल हैं बच्चे? थ्री डायमेंशनल हैं। कौन कौन से? एक है विषय वस्तु, एक है विषय वस्तु, दूसरा है संक्रिया, और तीसरा क्या है उत्पाद। फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इज प्रोसेस, एंड थर्ड इज रिजल्ट, ठीक है? ये इसके क्या है बुद्धि में थ्री आयाम्स है, थ्री डायमेंशनल। तो सबसे पहले जब इसने डिब्बे की आकृति में सिद्धांत प्रेजेंट किया 1967 में, तो बच्चे इसने सबसे पहले ओरिजिनली 120 एलिमेंट दिए थे, ठीक है? कितने एलिमेंट्स, कितने तत्व दिए थे? 120 एलिमेंट्स दिए थे। कितने दिए थे? 120 एलिमेंट्स। क्या थे ये 120 एलिमेंट्स, मैं बता देती हूँ इसको रफ करके एक मिनट, ठीक है? ये थ्री स्टेप्स थे। जैसे सबसे पहले क्या है विषय वस्तु मतलब इंडेक्स, देन प्रोसेस आप संक्रिया कह दो, एंड थर्ड क्या है बच्चे उत्पाद मतलब रिजल्ट आप इसको कह सकते हो। तो पहले में इसने क्या क्या दिया थे? स्मृति, संज्ञान, अभिसारी। पहले में इसने दिया स्मृति, एक मिनट में लिख देती हूँ, संज्ञान, फिर समझाती हूँ। स्मृति, संज्ञान, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन और मूल्यांकन। अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन और मूल्यांकन, तो कितने हो गए भाई? पांच। कितने एलिमेंट हो गए? पांच। इसमें इसने दिया संक्रिया के अंदर, विजिबिलिटी है ना? हाँ, यस विजिबल है, ठीक है? देखिए अब इसको समझना क्या है आपको यहां से क्वेश्चन,
इसने जो स्टार्टिंग में ये बॉक्स की आकृति में दिया, तो इसमें कोश जो बॉक्सेस की संख्या दी, कोशों की ऐसे ऐसे करके इसने ऐसे ऐसे बॉक्स बनाता गया, तो स्टार्टिंग में बॉक्स इसने दिए भाई 120, 1967 में इसने जो बॉक्स दिए 120 दिए। तो इंडेक्स के अंदर इसने ना पांच जो है स्टेप बताए, मतलब पांच चीज़ों को एक्सप्लेन किया, मेमोरी को एक्सप्लेन किया, स्मृति को, संज्ञान, संज्ञान होता है कॉग्निजम, आपका थिंकिंग, आपका सोचना, किसी भी कोई भी मेंटल प्रोसेस करते हो बच्चे वो संज्ञान होता है, फिर संज्ञान दिया इसने, फिर डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट थिंकिंग जो ऑलरेडी मैं काफ़ी बार समझा चुकी हूँ। अभिसारी चिंतन क्या होता है, जो लिमिटेड होता है, मतलब किसी भी चीज़ को फैक्ट्स के ऊपर, लिमिट्स के ऊपर, फैक्ट्स के ऊपर, तथ्यों के ऊपर जब चिंतन करते हैं दैट इज़ कन्वर्जेंट थिंकिंग, अभिसारी चिंतन। और अपसारी चिंतन होता जो डाइवर्जेंट होता, जो विस्तृत होता है, एक चीज़ को डिफरेंट डिफरेंट वे में सोचने के लिए होता है। तो चिंतन चैप्टर हमने डिटेल से पढ़ रखा है, ये तो आपके डाउट्स हैं, ठीक है। तो मेमोरी है, संज्ञान है, अपसारी, अभिसारी। तो कई बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है, अपसारी अभिसारी चिंतन किसने दिया है, तो किसने दिया है भाई, गिलफोर्ड ने दिया है, यहाँ से ये क्वेश्चन भी निकल जाता है। और ध्यान रखना जो इंटेलिजेंस होती है अकॉर्डिंग टू गिलफोर्ड इंटेलिजेंस कन्वर्जेंट थिंकिंग को लेके रखती है, क्वेश्चन कई बार आता है। वैसे तो जो बुद्धि के अंदर अभिसारी चिंतन होता है, बुद्धि के अंदर कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है, बट अकॉर्डिंग टू गिलफोर्ड बुद्धि में डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है। ध्यान रखना जो इंटेलिजेंस होती है, साइकोलॉजिस्ट कहते हैं इंटेलिजेंस शुद्ध होती है, करेक्ट होती है, और जो कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है बच्चे उसमें शुद्धता होती है, क्योंकि वो फैक्ट्स पर रिलेटेड होती है तो करेक्ट होती है। और साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग ही इंटेलिजेंस होती है, बट सिर्फ और सिर्फ आपसे जेपी गिलफर्ड के हिसाब से पूछा जाए तो गिलफर्ड ने बोला था कि जो डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है वो बुद्धि में होती है। वैसे डाइवर्जेंट थिंकिंग क्रिएटिविटी में होती है, अपसारी जो चिंतन होता है वो सृजनात्मकता के अंदर होता है बच्चे, लेकिन जो अभिसारी चिंतन होता है वो बुद्धि में होता है। बट अकॉर्डिंग टू गिलफर्ड आपसे पूछा जाए बुद्धि में कौन सा चिंतन होता है, तो अपसारी होता है, ध्यान रखना। तो पहले इसने पांच स्टेप दिए, मतलब सबसे पहले इसने पांच दिए, ठीक है, किसके अंदर भाई, विषय वस्तु के अंदर। फिर इसने प्रोसेस के अंदर चार कोश बनाए, चार स्टेप्स बनाए, आकृति करना मतलब किसी भी चीज़ को दिखाना, आकृति करना मतलब उसका एक रूप बनाना, फिर उसको एनेक्डोटिंग करना मतलब संकेत करना, शाब्दिक रूप से वर्बल, और उसको व्यवहार में लाना। मतलब ये स्टेप्स आपसे कोई नहीं पूछेगा कि कितने किसमें क्या स्टेप थे, टेट एग्जाम्स में तो कभी नहीं पूछते, DEE++ में पूछ सकते हैं कि इंडेक्स में कौन सा स्टेप था या नहीं, यहाँ सिर्फ इतना पूछेगा संक्रिया में स्टार्टिंग में कितने थे भाई, चार थे। उत्पाद के अंदर इसने शुरू से लेकर आखिर तक छः ही रखे, उत्पाद में इकाई थी, वर्ग था, संबंध, प्रणाली, परिवर्तन, रूपांतरण, निहार्थ, मीन्स कोई यूनिट थी, फिर उसको वर्ग में डिवाइड करना, धर्म का कोरिलेशंस करना, उसके लिए कोई उपागम, परिवर्तन करना, रूपांतरण करना, मतलब इम्प्लीकेशंस, निहितार्थ होता है इम्प्लीकेशंस करना, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन करना, तो ये छठे स्टेप के अंदर थे। मीन्स आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम है तो जेपी गिलफर्ड इन स्टेप से होके उनको गुजारता था बुद्धि को। तो ऐसे करके छः, तो पाँच चौके 20, छक्के 120, तो स्टार्टिंग में बन गया भाई 120 तत्व, ठीक है, कब, जब इसने ये इंटेलिजेंस दिया 1967 में। फिर थोड़े से दिन के बाद ये कहता है मैं तो अपनी जो कोश हैं उनको रिवाइज्ड करूँगा, और जब ये रिवाइज्ड करता है तो बच्चे जो ये मेमोरी होती है ना, मेमोरी को एक पार्ट में डिवाइड कर देता है, कूट लेखन कुछ करके मेमोरी को डिवाइड कर देता है ये एक पार्ट में, मतलब स्मृति ग्रहण करने के चक्कर में ऐसे करके ये मेमोरी को मतलब पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो ऐसे करके जब दूसरी बार ये 150 तत्व कर देता है, कितने कर देता है 150, जिसमें जो पहली मेमोरी है उसको पांच भागों में डिवाइड कर देता है, फर्स्ट मेमोरी है पांच भागों में डिवाइड कर देता है, और जो यहाँ पर आकृति है इसका भी एक एक्स्ट्रा भाग बना देता है, सुनने बोलने वाला कुछ दृश्य श्रव्य करके इसका भी एक्स्ट्रा भाग बना देता है, तो ये भी चार से कितने हो गए पांच, और ये जो यूनिट होती है इकाई जो लास्ट वाली है जो रिजल्ट है इसके छः ही तत्व रखता है। तो पापा 25 छक्के 150, ठीक है ना, मेरा मैथ वीक है, 25 छक्के 150 ही होते होंगे ना, हाँ 150 ही होते हैं, ठीक है। तो पापा 25 सिक्के 150, फिर इसने क्या किया भाई, एलिमेंट बना दिए 150 रिवाइज्ड एडिशन। लेकिन आपसे पूछा जाए वर्तमान में, इसने 1988 में फिर रिवाइज्ड कर दिया, 1988 में इसको फिर रिवाइज्ड कर दिया, और इसी स्मृति को एक और सब पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, मीन्स पहले वाले पार्ट में परिवर्तन लाता रहा, और पहले वाले पार्ट में कितने हो गए एलिमेंट, पहले वाले पार्ट में एलिमेंट हो गए भाई 6, दूसरे वाले में 5 ही रहे, और तीसरे वाले में 6 ही रहे, तीसरे वाले में कोई चेंज नहीं आया, और ऐसे एलिमेंट कितने बन गए भाई 180, ऐसे एलिमेंट कितने बन गए 180। अब जो क्वेश्चन है जिसपे आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हो कि मैम आपने 120 बताया, पेपर में 180 आएगा, तो मेरी बात सुनना, ध्यान से कन्फ्यूज़ होने की जरूरत नहीं है। पूछा जाए
जेपी गिलफर्ड के बुद्धि के आयाम में कितने तत्व हैं, सिर्फ ये क्वेश्चन पूछ रहा है वो कितने तत्व हैं। तो आप अब भी 180 ही कहेंगे, पिछली बार एग्जाम में भी आया था और एग्जाम के आंसर 120 कहेंगे, 120 एग्जाम की आंसर की ने 120 आंसर किया था, लेकिन क्वेश्चन को समझा करो। यदि वो कहें वर्तमान में कितने तत्व हैं, यदि वो शब्द जोड़े बच्चे वर्तमान, यदि वो कहे जेपी गिलफर्ड के बुद्धि सिद्धांत में वर्तमान में कितने कोश हैं, वर्तमान शब्द डाले, तो आप 180 आंसर करेंगे, तो आपका आंसर होगा 180। बट वैसे पूछे बुद्धि में कितने कोश है, तो आपका आंसर 120 ही होगा। क्यों होगा 120? बिकॉज रीजन इज दैट ऑफिशियली 120 ही था, उन्हीं 120 के अंदर क्या है फिर चेंजेस लाए गए हैं, ठीक है। तो आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन को लेके, बहुत सारे कमेंट मैंने कल पढ़े इसी क्वेश्चन को लेके थे, मैम 120 करें 180। अब आप समझ गए पूछे कितने एलिमेंट्स हैं, तो आप कहोगे 120 है मैडम, वैसे पूछे वर्तमान में कितने हैं तो आप कहोगे 180 हैं, गॉट इट। और दूसरी चीज इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखनी है, क्या याद रखनी है, सीधा यहाँ से क्या क्वेश्चन बनेगा, बुद्धि का त्रि आवामीय सिद्धांत किसने दिया है, जेपी गिलफोर्ड ने दिया है। कितने तत्व डायमेंशनल दिए, 3 दिए हैं, कौन कौन से दिए हैं, इंडेक्स प्रोसेस और रिजल्ट, जो कि पूछ लेगा कौन सा नहीं है तो आपको पता होना चाहिए इंडेक्स प्रोसेस एंड रिजल्ट। फिर आएगा किसमें कितने एलिमेंट है, तो भाई 120 है एस्टेट में, पिछली बार ये क्वेश्चन आया था और एस्टेट की आंसर की ने भी 120 ही राइट किए थे, लेकिन पूछे वर्तमान में कितने हैं, वर्तमान शब्द लगाए तो आप आंसर 180 करेंगे, 120 करोगे तो गलत हो जाएगा, ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। तो ये नहीं पूछेगा कोई भी किसमें क्या था, ये तो मैंने आपको वैसे ही बता दिया फालतू में, ठीक है। तो ये तो आपका पहला डाउट है जो जेपी गिलफर्ड का बहुत ज़्यादा आपको कन्फ्यूज करता है, ये त्री वाले तीन सिद्धांत है भाई। तो माई डियर प्यारे बच्चों कन्फ्यूज मत होना, बहुत स्पेशल बच्चे हो आप मेरे लिए। किसी बच्चे ने कमेंट किया कि मैम आजकल हम पे ध्यान नहीं देते, पेड कोर्स वालों पे ध्यान देते हो, तो भाई मैं भी इंसान हूँ, मैं दिन में मुझे वीडियोस बनानी होती है, मैं कितनी बनाऊँगी, और वो तो मन का वहम है। पूछे इतना है मेरे चैनल पे कि सच में कोई ढंग से कर लेगा तो पेपर ऐसा हो ही नहीं सकता कि पास ना हो, पर फिर भी कुछ महान बच्चे हैं ऐसे ऐसे डायलॉग मार देते हैं, तुम मेरे लिए विशेष थे, विशेष हो, विशेष रहोगे, मेरे यूट्यूबर स्टूडेंट मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी हैं हमेशा, आप हो तो मैं हूँ ना, मेरा क्या अस्तित्व है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं होता टीचर कम वीडियो दे रहा है तो वो आपसे प्यार नहीं करता या आपके लिए अटेंशन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ टाइम का होता है सिस्टम, ठीक है। और चीज़ें मेरे को पता है पेपर में क्या आना और मेरे चैनल पे क्या है, तो मैं इतना टेंशन नहीं लेती, पास हो जाओगे। तो ये त्री करके है ना, एक तो है त्रि आवामीय, तो त्रि आवामीय किसने दिया भाई, जेपी गिलफोर्ड ने, ध्यान रखना ये तीन वाले। एक है त्रिकारक, त्रिकारक पूछे किसने दिया, स्पीयरमैन ने, त्रिकारक पूछे बच्चे किसने दिया, स्पीयरमैन ने। एक है त्रितंत्र पूछे, त्रितंत्र तंत्र शब्द करके पूछे, तो त्रितंत्र दिया था स्टर्नबर्ग ने, ये स्पीयरमैन ने दिया था स्टर्नबर्ग ने। और त्रिस्तरीय पूछे तो किसने दिया था, कैरोल ने दिया था, ठीक है। ये त्री करके भाई चार सिद्धांत हैं, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। त्री आवामीय, थ्री डायमेंशनल थ्योरी पूछे तो गिवन बाय जेपी गिलफर्ड, त्रिकारक पूछे तो द्विकारक स्पीयरमैन ने दिया था स्पेसिफिक और जनरल, तो त्रिकारक सिद्धांत पूछे तो स्पीयरमैन ने ही दिया था, त्रितंत्र सिद्धांत पूछे तो स्टर्नबर्ग ने दिया था, त्रिस्तरीय सिद्धांत पूछे, तीन स्तरीय पूछे तो किसने दिया था बच्चे, कैरोल ने दिया था, ठीक है। एक तो ये चीज़ थ्री स्ट्रेट्रम थ्योरी, तो ये चीज़ आप अच्छे तरीके से ध्यान रखेंगे, ठीक है। और त्रितंत्र पूछे तो स्टर्नबर्ग ने दिया था, त्रितंत्र को सूचना प्रक्रमण सिद्धांत भी कह देते हैं, त्रितंत्र का नाम है सूचना प्रकरण सिद्धांत भी कह देते हैं, त्रितंत्र को ही सिद्धांत को कह देते हैं भाई, थ्री हायरार्किकल थ्योरी जो त्रितंत्र थ्योरी है, तो ये ध्यान रखना तीन वाले, ठीक है। तो एक तो आपका ये डाउट है, आई थिंक ये दूर हो गया, अगर यहाँ से क्वेश्चन पक्का आता है, ठीक है। एक आप है ना बुद्धि के इंट्रापर्सनल को लेके बहुत कंफ्यूज रहते हो, जो मैंने आपको हार्वर्ड गार्डनर के हिसाब से बताई थी, हार्वर्ड गार्डनर की वर्तमान में नो इंटेलिजेंस है मुख्य रूप से साथ दी थी, तो हार्वर्ड गार्डनर की जो एक इंटेलिजेंस है इंट्रापर्सनल और एक है इंटरपर्सनल, ये भी मैंने आपका बहुत डाउट देखा है, इसको बोलते हैं अंतर्वैयक्तिक और इसको बोलते हैं अंतर्वैयक्तिक, ठीक है भाई। तो ये भी कंफ्यूज मत होना, ध्यान से समझाती हूँ मैं, देखो क्या कंफ्यूजन है, इन शब्दों का ही हेरफेर है ना, कंफ्यूज कर देता आपको, इंट्रापर्सनल इंटरपर्सनल, सिंपल सी अपनी भाषा में आओ। हम जब कॉलेज में पढ़ते थे, कभी पढ़ते थे, हम क्या बोलते थे,
हम तो ना इंटर डिस्ट्रिक्ट कॉलेज कंपटीशन में जा रहे हैं, हम तो क्या कर रहे हैं इंटर डिस्ट्रिक्ट कॉलेज कंपटीशन में जा रहे हैं। इंटर डिस्ट्रिक्ट का मतलब अपने डिस्ट्रिक्ट से बाहर। तो इंटर जो होती है ना, जिसके इंटर है, इंटर अंतर व्यक्तिक, ये इंटर अंतर, इंटरपर्सनल होती है, ये दूसरों के इमोशन से रिलेटेड होती है। क्योंकि आपको पता ही है जो इंट्रापर्सनल इंटरपर्सनल है, ये बुद्धि इमोशंस भावनाएं संवेगों को नियंत्रित करने से, संवेगों से रिलेटेड होती हैं, ठीक है। तो इंटर डिस्ट्रिक्ट कॉलेज कंपटीशन ऐसे याद रहेगा, जो दूसरों की बुद्धि दूसरों की भावनाओं से रिलेटेड है बच्चे, वो अंतर व्यक्तिक है। इंट्रापर्सनल देखो याद करना आसान है, हिंदी इंग्लिश में कन्फ्यूज हो जाते हैं हम। इंट्रा अंतरा, इंट्रा अंतरा, इंट्रा अंतरा, बस हो गई कहानी खत्म। इंट्रा अंतरा, इंट्रा अंतरा, हो गई कहानी खत्म। अंतरा आपकी अंतरा अपने आप में रहती थी, जीटीवी पे कभी नाटक आता था, ऑटिस्टिक डिसऑर्डर की शिकार थी वो लड़की। तो अंतरा इंट्रा, ठीक है, इंट्रा अंतरा, तो ध्यान रखना। तो ये होती है अपने से, जब हम अपने इमोशंस अपने संवेग अपनी थिंकिंग के बारे में सोचते हैं तो उसको बोलते हैं बच्चे इंट्रापर्सनल। तो इसकी इंग्लिश हिंदी को लेके कंफ्यूज मत होना, ऐसे याद करना, इंट्रा अंतरा, इंट्रा अंतरा, अंतरा खुद में रहती थी, एक लड़की जीटीवी पे सीरियल आता था, अंतरा खुद में रहती थी। तो इंटरपर्सनल इंटर डिस्ट्रिक्ट कॉलेज, तो इंटरपर्सनल होती है दूसरों की इमोशंस दूसरों की भावनाओं को समझने से संबंधित, और इंट्रापर्सनल होती है बच्चे खुद की भावनाओं और खुद को समझने से संबंधित, ठीक है। तो ये जिसमें इंट्रापर्सनल बुद्धि ज़्यादा होती है वो खुद में ही रहता है, और जिसमें इंटरपर्सनल बुद्धि ज़्यादा होती है वो समाज से भी बहुत अच्छा सोशल वो करता है, उसके अंदर EQ बहुत ज़्यादा होता है, इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जिसमें इमोशनल इंटेलिजेंस होती है वही सोसाइटी से क्या करता है, कनेक्ट करता है। तो होप सो आपके दोनों डाउट क्लियर हो गए होंगे, छोटी सी क्लास है बट बहुत ही महत्वपूर्ण थी। तो होप सो यू लाइक दिस क्लास, सो बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड विद मी एंड आई एम ऑलवेज विद यू, बाय बाय।